चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कैनॉट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स सोर्स इज एट 327 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। देखो जनरली आपका सोर्स ये है T1, इसको सोर्स बोलते हैं, हाई टेम्परेचर पे यानी हॉट बॉडी है, हॉट ये हीट इधर मूव करती है, याद है ना हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। T2 टेम्परेचर, ये सिंक है, ये कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है, ये हॉट रिजर्वायर, ये कोल्ड रिजर्वायर, हीट इधर से इधर जाती है, Q1 हीट गई, इधर आपको वर्क मिलता है और बची हुई हीट इधर चली जाती है, ठीक है। तो इफिशियंसी का इक्वेशन क्या होता है? इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - Q2 / Q1 होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 - T2 / T1। परसेंटेज में लिखना है तो 1 - T2 / T1 × 100 कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इफिशियंसी 50% यानी ये 50% हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 - T2 की वैल्यू क्या दी हुई है, T2 सिंक का दिया है ना, देखो नहीं सोर्स का दिया हुआ, सोर्स दिया हुआ है ये, तो सोर्स T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 इज इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 327 में हम क्या करें, ऐड कर दें, 273 से ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा आई थिंक, केल्विन, T1 आ गया 600, तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू 600 केल्विन है इनटू 100, करेक्ट है, ये कितना हो जाएगा, देखो जरा चेक करो, इधर से ये 0 1 कटेगा, ये 0 कटेगा, इधर जाएगा, ठीक है, ये 5/10 इज इक्वल टू 1 - T2 / 600, ये आएगा 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1 - T2 / 600, करेक्ट है, T2 / 600 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, और ये वैल्यू को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, T2 / 600 इज इक्वल टू 1 - 1/2 मींस 1/2 हो जाएगा, तो T2 / 600 ये आप ऐसे लिख सकते हो, T2 × 600/2 मींस 300 केल्विन आएगा। अगर ये 300 केल्विन है तो इसमें से आपको डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहां लिख लेते हैं, T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन, 300 माइनस 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन कौन सा है, ये वाला डिग्री सेल्सियस में निकाला ना हमने, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन 27 डिग्री सेल्सियस। चलो सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।